हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है मिस्टर दिनेश पवार में। वो नीलकंठ उनके पप्पा के साथ जाने के लिए रो रहा था, तो किधर अभी शाम हो गई है तो थोड़ा घूमने के लिए जाते हैं। नमस्कार, जा रहे हैं तो बहुत धूप गिरता है, तो पूरे दिन में किधर हम निकलते नहीं है, इसलिए शाम का टाइम में थोड़ा घूम भी लेने चाहिए तो दिमाग भी फ्रेश रहता है। और ये बकरियों को पूजा दीदी ने, दिनेश जी ने चारा ला लिया था। आज मैं नहीं गई थी क्योंकि नीलकंठ रो रहा था, तो धूप में ले जाने के लिए मन नहीं हुआ। और रश्मि जवाई राजा वो कुछ उनके स्कूल वो जवाई राजा भी पढ़ा लिखा है, वो भी कुछ समझ रहा है। और मूंग की दाल गल रही है तो वो गल गई है, वो अभी हो जाएगी। और पानी हमने परसों के दिन भर लिया था तो वो टैंकर आया हुआ है पानी लेने के लिए और जा रहा है। और ये पूरी आज पानी आएगा कि नहीं आएगा, पूरी खाली थोड़ा ही पानी बचा है और टंकी वगैरह तो सब खाली है, तो देखते हैं शाम को पानी आता है कि नहीं आता है। पानी आएगा तो अच्छा रहेगा, भर लेंगे। और काम तो अभी रोटी बिटी पकाने का है और दाल भी गल जाएगी उनके बाद, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और शाम भी हो गई है और बड़ी दीदी का वो बंद भी रहा है, उनका काम चालू है। हम ही सुबह में बांधने वाले थे पर वो पहले से जिनको दिया था वो आ नहीं रहे थे। बड़ी दीदी ने तो पैसे वगैरह 500 रुपये पहले देना दे दिया है और पैसे लेके आ नहीं रहे थे। 2-3 दिन से वो रावलिया बहुत कर रही थी तो भी नहीं मान रहे थे। और हम बांधने के लिए शुरू हो गए सुबह सुबह में तो वो लोग आ गए, तो बोलते माँ हम कर रहे हैं, बोले आप क्यों कर रहे हैं। तो वो बड़ी दीदी भी बोल रही थी कि आप लोग आ नहीं रहे थे इस कारण से वो लोग कर रहे हैं, तो उनको करने दीजिए, वरना आप दोनों मिलके खा लेना नहीं, आप दोनों मिलके वो कर दो, बोले बांध काम ऐसा, तो हम दोनों को हमारे हाथों से पैसा दे देंगे। आपने पहले से काम लिया है तो हम आपको ज़्यादा दे देंगे, बोले। और मेरी दीदी को हम 1500 देंगे, तो आप दोनों मिलके कर दो, बोले। तो वो लोग मनाई करे, नहीं बोले हम ही करेंगे। तो दिनेश जी ने भी बोल दिया हाँ सही बात है, बोले उनका ही पहले से हक का मतलब कर रहे हैं तो उनका ही अधिकार बनता है, तो करने दीजिए, बोले अच्छा है। तो वो भी काम जल्दी बन जाएगा तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। लाइट भी तो आ गई है शाम की, 6 बजे वाली लाइट आ गई है। और बर्तन वगैरह तो साफ कर लिए, और हम पानी नहीं था, पानी तो भर के रखा था पर धूप में सुबह में नहाने का मन नहीं होता है तो डर लगता है धूप लग जाता है, तो उनको हम लम्पट कहते हैं तो खराब मतलब बीमारी वगैरह हो जाता है, इसलिए हम धूप में नहीं नहाते, शाम को ही नहाते हैं। तो हम भी नहा लिए, और तारिणी को नीलकंठ को तो नहीं नहा लिया था, उनके पप्पा जब नहाने बैठे थे तो वो भी नहाने के लिए उधर रोने लगा था, तो वो भी उनको सुबह में नहीं नहा लिया था। पर तारिणी शत्रानी मैं ऐसे अभी शाम को नहाए हैं, और पूजा दीदी भी नहा ली है, और सासू माँ भी नहा लिए है शाम को। और शाम को नहाते तो मानो वो अच्छा लगता है, मतलब बोलने भी नहीं आ रहा है, बोलता भी नहीं आ रहा है, तो फ्रेश मूड रहता है, तो इसलिए हम शाम को ही नहाते हैं। और अभी ये सब रेडी है, और रश्मि जी ने तो ये सब मटेरियल भी तैयार कर दिया है। और मिर्ची काट रही थी तो वो अभी मैं काट लेती हूँ। कांदे जो है वो काटने के लिए जाना, प्याज। कौन कौन जा रहे हैं पूजा दीदी?
हम तीने शिवम रश्मि मैं ऐसा जाओगी तो 600 रुपया आएगा और और हम बकरियों को देखेंगे। हाँ और नीलकंठ तारिणी भी साथ में पड़ेगी और धूप भी गिरता है इसलिए जाने का तो बहुत मन होता है सही में फ्रेंड्स, पर ये धूप के कारण से बच्चे भी साथ में पढ़ते हैं और माँ पर चारा लाने के लिए कोई नहीं है तो वो दोनों चारा लाएगा मजूरी करके आ जाएगी 1:30 बजे। तो वो पैसे लेने के लिए पूजा दीदी हाँ वो दातिया लेने के लिए जा रही है प्याज काटने के लिए तो उधर जा रही है। तो हम तब तक ये क्या बोलते हैं सब्जी तो और भी रश्मि बैठ गई है तब तक हम क्या कर लेते हैं आटा वगैरह गूंद लेते हैं तो रश्मि वो कर लेगी सब्जी और हम रोटी पका लेंगे। आटा किधर है रश्मि? और खासी जब से हम वो मोती माता के पास गए थे फ्रेंड्स और उधर से आके हमें खासी तैयार हो गई थी तो वो खासी है ना जाती नहीं है, थोड़ी थोड़ी बाकी है तो ये क्या मतलब है जा नहीं रही है तो आटा तो नहीं दिख रहा है। हाँ आटा मिल गया है, ये रश्मि ने इधर रख दिया था आटा ला दो ना रश्मि, वो डबाई ला दो तो हम आटा गूंद लेंगे। तो हो गया है अभी, कोई बात नहीं आगे क्या होता है क्या नहीं हम दिखाते रहेंगे सूचना देते रहेंगे। और करीबन 6 बजे लाइट आती है तो 6:30 तो बज ही गया होगा क्योंकि अंधारा पड़ने में आ जाएगा तो मुंह अच्छे तरह से नहीं दिखेगा। और दिनेश जी तो नीलकंठ को, अरे मैं तो भूल ही गई थी नीलकंठ को तो दिनेश जी लेके गया है। और ये दाल गल गई है तो दाल अभी हम रश्मि तो वो कर लिया है दाल को पहले कर लेते हैं और उसके बाद आटा गूंद लेंगे। देखिए दाल कैसे हो गई है। तो रश्मि ये कर रही है दाल, हो रहा है खाना और हमने भी आटा गूंद लिया है। और पूजा दीदी तो गई है अभी तक नहीं आई है, हो रहा है। और ये शाम का खाना हो रहा है, सुबह में तो हमने नहीं बनाया था वीडियो क्योंकि धूप भी गिर गया था और चले गए थे चारा भी लेने के लिए और धूप में तो क्या काम रहता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ घर में आराम करने का, तो इसलिए घर में आराम कर रहे थे। और पानी तो पूजा दीदी ने सुबह में ही भर लिया था और अभी तो लाइट है पर पानी चालू होगा पर भीड़ बहुत होगी, वो पानी की जगह पे भीड़ इतनी रहती है ना दोस्तों, तो पूरा गांव का भीड़ उधर बोरिंग पे ही रहता है बेचारे बोरिंग पे है ना, बहुत बहुत ये होता है ना। ये नीलकंठ के लिए हम ये दाल निकाल लेते हैं तो फीकी दाल कर देगी उनको जीरा बीरा डाल के, क्योंकि तीखा भी खाता है पर उनका ये बहुत आगिन पड़ता है। शत्रानी आगे कहाँ से भाई की गयो मोटी भाई की गई है ये वगार लिया है दाल अपनी रश्मि ने शू हाँ भाई नुस अपना वघार सुनी दाल खरक अंधर बा कपड़ा खर रश्मि पानी नख दे। ये दाल वगैरह तो हो गई है, अभी रोटी पकाने का बाकी है। थाम कड़क रोट लो सुन रोटलो कर दिस था रोटी पकाने का बाकी है दोस्तों। तो हमें लग रहा है ज़्यादा लंबा भी वीडियो हो रहा है इसलिए आप सभी दोस्तों से हम इजाज़त चाहते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप भी आप सभी दोस्तों के परिवार के साथ अच्छे से रहिए और सिर्फ आप हमें प्यार आशीर्वाद देते रहे फ्रेंड्स। तो हम मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय खानदेश, नमस्कार।